पैसा नहीं है, पूरा परिवार एक कटोरा दूध भात में मुंह लगाए हुए। पिंकी बिटिया, जानती हो जब तुम पैदा हुई थी तो हम तुम्हारी माँ से कहे थे, देखना एक दिन बड़ा होके हमारा नाम कैसे रोशन करेगी। तब देखो वीडियो बनने जा रही है। तब बोलिए तुमको क्या चाहिए? हाँ ना, बोलो बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे पापा सब कुछ दिलाने का हिम्मत रखते हैं। अच्छा वो क्या कहते हैं उसको, वो लैपटॉप जिसमें मच्छर नहीं घुसता है? मच्छर नहीं पापा, वायरस। वही वही चाहिए का? हाँ वो तो चाहिए, और हमको ना आईफोन भी चाहिए। अरे इसको फोन चाहिए, फोन। कैसी बात कर रही है देहाती जी, मैं क्या कहता हूँ दुगो चीज ले लो, लैपटॉप भी ले लो और आईफोन भी ले लो, हमारे पास कोनो चीज का कमी है का? अच्छा ठीक है पापा, तो हमारा आईफोन कब आएगा? अरे बेटा सांझ को, तुम्हारे पापा का काम तो ऐसे ऐसे फटाफट होता है। अजी देख रहे हैं हमारी पिंकी कितनी सुंदर लग रही है, हमको तो डर लगता है किसी की बूढ़ी नजर न लग जाए। तो ऐसे ही बलैया लेती रहोगी या इनको लैपटॉप और फोन भी दिलवाना है? चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हाँ जी चलेंगे, चलिए अभी दिलाते हैं, अभी दिलाते, चलिए चलिए चलिए। अगर आप हमको उतनी जबरदस्ती पटना नहीं ले गए होते मेंस एग्जाम देने, तो आज हम आपका बधाई नहीं पाते। हमारा सफलता में आपका भी योगदान है पिंटू जी। स्वाति दीदी कहाँ थी आप जो आपका फोन नहीं लग रहा था? हमने जीजा जी को भी ट्राई किया था फोन। अरे वो टावर में थोड़ा गड़बड़ होगा। दीदी कृष्णा दीदी मेंस का एग्जाम पास कर ली है। का? तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। और पिंकी का क्या हुआ? हाँ वो भी पास कर ली। अच्छा चंचल जरा कृष्णा को फोन तो दो। हेलो दीदी। कृष्णा तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा मेहनत सफल हुआ। तुम्हारे जीजा जी को पता चलेगा ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। दीदी उनका हमारा नमस्ते बोलना और लो माँ से बात करो। कुछ खास बात है पापा? अरे बैठो तो बैठो। पता है बेटा तुम बचपन में हमारे साथ जब मेला देखने जाती थी तो हमारे कंधा पर बैठ करके मेला देखती थी, तो अपनी पसंद के खिलौने खरीदती थी। पता है पापा, और ये भी याद है कितना बार ऐसा होता था कि आप अपना जूता नहीं खरीद के हमको खिलौना खरीद के देते थे, अपना चश्मा का फ्रेम नहीं बदल के उस पैसा से हमारे लिए स्कूल का बस्ता खरीदते थे। पता है बेटा क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए चश्मा या जूता खरीदने से ज्यादा तुम्हारे लिए खिलौने खरीदना अच्छा लगता था। आज ये सब बातें आप कहे दोहरा रहे हैं? बेटा वो सब बातें इसलिए दोहरा रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि तुम बचपन की तरह बिना किसी फिक्र और चिंता के हमसे कुछ मांगो। तुम जो मांगोगी वो हम आपको देंगे। पापा मांगो बेटा, हमको अच्छा लगेगा। पापा आपका आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। वो तो हम तुम्हारे बाप हैं,
रोज रोज देंगे। देंगे तो कुछ मांगो ना बेटा। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप हमको आज्ञा दीजिए पापा। कल बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का पूजा का दिन। हम चाहते हैं कि आंगन में सरस्वती माँ का मूर्ति स्थापित करके उसका पूजा किया जाए। तो बहुत उत्तम विचार है बेटा। तो अब कल हमारे घर में सरस्वती पूजा होगी। अरे वाह दीदी, हमारे घर में पूजा होगा, सरस्वती माँ का मूर्ति आएगा, बहुत मजा आने वाला है। तब तो मूर्ति हमें आज रात को ही लाना होगा। भैया हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, तुम भी चलना। चाचा प्रणाम। अरे बब्लू जी आप। प्रणाम। खुश रहो। कृष्णा आज तुम्हारे वजह से हमको बहुत गर्व हो रहा है। सर ये सब आपका वजह से हुआ है, आपका मदद और मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। पैसा भरने के बाद भी स्टूडेंट्स को आपका कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलता है। वहीं आप हमसे एक पैसा लिए बगैर हमारा इतना। चाची अब तो अपनी बेटी पर भरोसा हो रहा है या आप भी मन में कोई शंका है? एक बार इंटरव्यू पास कर ले बब्लू जी तो बस। चाचा अब यहां तक पहुंच गए तो इंटरव्यू भी क्लियर हो ही जाएगा। बबलू सर कल हम लोग अपने घर में सरस्वती माँ का पूजा रखे, आपको जरूर आना है। जरूर आएंगे। अच्छा अब चलते हैं। अरे आप बिना मुंह मीठा किए कैसे जा सकते हैं, बैठिए ना। नहीं चाची आज थोड़ा जल्दी में है, पिंटू बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है, कल पूजा में आते हैं। कृष्णा तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं, इस बार तैयारी थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। बाहर तक आओ बताते हैं। ठीक है चाची। चले चलते हैं भाई, लेकिन पहले तुम भी तो बधाई दे दो। किसको? गाड़ी का पिछला सीट पे आपका बस्ता पड़ा है, उसमें आपका पेन पेंसिल और दफ्ती है, उठाइए और परीक्षा दे आइए। ई कृष्णा है, ई प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर ली, इसका माता पिता आस पड़ोस का लोग सब चाहते हैं कि ई मेंस का परीक्षा में बैठे, क्योंकि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है, ई मेंस का परीक्षा ऐसे निकाल लेगी। हम सबका सपना है कि तुम परीक्षा में बैठो, सफलता हासिल करो, अफसर बनो। जरा सोचो कल तुमको कैसा लगे, तुम परीक्षा केंद्र पहुंची लेकिन परीक्षा नहीं दी। तुमको आज हमारा बात समझ में नहीं आएगा लेकिन कल पछतावा होगा।
आपका रिजल्ट निकला है, मुबारक हो। धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमको उतनी जबरदस्ती पटना नहीं ले गए होते मेंस एग्जाम देने, तो आज हम आपका बधाई नहीं पाते। हमारा सफलता में आपका भी योगदान है पिंटू जी। अच्छा, चलिए शुक्र है हम किसी काम तो आए आपके, जबरदस्ती सही। और रहा बात रिजल्ट का, तो वो आपका मेहनत से निकला है। बहुत बहुत बधाई हो। अबे ये क्या हो रहा है? अबे कौन है? कौन ढोल लगा रहा पीट रहा है हमने द्वार पर? जी मालिक, को बिहारी जी आए हुए हैं। अरे चश्मा उतारिए ना, कहीं भैया जी ने देख के पसंद कर लिया तो हमारा क्या होगा। अरे प्रणाम भैया जी, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं? कहा है ना कि खुशी का मौका पे बैंड बाजा वाला को लेके आए। हमारा पिंकी का मेंस का रिजल्ट आ गया है, अब तू अफसर बनिए गई समझो है। अरे गजब, ये तो बहुत खुशी का बात है। बस ये आप अपना कृपा आशीर्वाद इसी तरह से बना के रखिएगा। ये जी डब्बा खोलिए, भैया जी का मुंह मीठा कराते हैं। नहीं नहीं, बस बस बस, बाद में खा लें। उकार ना, हमारे मुंह में पान है, पान। और पान हमको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जानते हैं काहे? काहे? अरे इसका रंग पसंद है हमको, मुंह में जाके खिलता है, है? प्रणाम। आइए बैठिए, आपको भी पान खिलाते हैं, आइए। आप आइए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे माधव, हमारी पिंकी ना बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है। जब वो अंग्रेजी बोलती है ना, तो सब लोग बस सुनते रहते हैं। और अब तो बस सिर्फ इंटरव्यू बाकी रह गया है। और कहते हैं कि इंटरव्यू में तो बस चेहरा मोड़ा और असली चाल ढाल देखते हैं। हमारी पिड़की में तो कूट कूट के भरा है। भैया जी, आपका सेटिंग से हमारा पिंकी पास हो गई, बस थोड़ा इंटरव्यू में देख लीजिएगा बस। अरे चिंता काहे कर रहे हैं, पैसा में बड़ा ताकत होता है। हाँ ये बात तो है, बड़का बड़का लोग बिकने को तैयार रहता है। और का। अजी सुनते हैं। हाँ बोलिए। आप लोगों का दावत पे कल बुलाए कि नहीं? हाँ हाँ भैया जी, कहा है ना कि पिंकी का पास होने की खुशी में हम दावत रखे हैं। आप लोग सब परिवार आइएगा जरूर, आप मुख्य अतिथि हैं, पधारिएगा जरूर। मुख्य अतिथि? गजब। बिहारी बाबू, इतना स्नेह भी मत दिखाइए। अरे चलिए चलिए, आएंगे जी, जरूर आएंगे। क्या करते हैं भैया जी, आप तो डरा दिए थे। अरे कितने खिलाएंगे आप, हमारा मन भर गया। कहाँ कुछ हो खिला रहे हैं, हलवा अच्छा नहीं है। अच्छा है। अच्छा तो आप ही चाय के साथ नमकीन ले लीजिए, ले लीजिए। बड़ी खातिरदारी हो रही है, कोई खास बात है क्या? माफ कीजिए। काहे माफी मांग रही है, ये तो हमारे हाथ से चल गया था। आप बोलिए ना, क्या बात है? हम
इसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। वो कहा है कि हम समझ नहीं पाए, हमको माफ कर दीजिए। हम आपके विश्वास पर संदेह किए। आपको कृष्णा पर बचपन से ही विश्वास था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी, पर हम हमेशा आप बाप बेटी को गलत समझते रहे। पर आप बाप बेटी मिलकर हमको गलत साबित कर दिए। हम अपनी बेटी की जिंदगी का कितना बड़ा दुश्मन बन रहे थे, पर अब हम कभी आप पर संदेह नहीं करेंगे। वो कहा है सरस्वती जी कि आपके शक और संदेह नहीं, कृष्णा को मजबूत बनाया है, शक्ति दी। पर आप जो उसमें देख रहे थे हम काहे नहीं देख पाए। कहते हैं कि माँ अपने बच्चा को अच्छे से पहचानती है, पर हम कैसी माँ हैं जो ही नहीं पहचान पाए कि हमारी बेटी कितना काबिल और साहसी है। आपको उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था, लेकिन मन नहीं मान रहा। आप माँ है ना, बच्चों को लेकर माँ का दिल बड़ा कमजोर होता है। ठीक है कृष्णा, तो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है सर, लेकिन आप कल जरूर आइएगा। और पिंटू जी आप भी, हमारे यहाँ कल सरस्वती पूजा हो रहा है। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। चलते हैं भैया। हाँ चलो। अब पिंटू जी आप काफी बहुत अच्छा बनाते हैं, अगर आप 5 मिनट हमारे घर रुक जाते तो। कहा है ना पिनकी जी, हमको कॉफी अच्छा नहीं लगता, अगली बार हम आपके साथ चाय पियेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। नमस्ते जी, आपको पता चला हमने मेंस का एग्जाम क्लियर किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी का बात है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, एक ही घर से दो दो लड़कियों ने मेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया। मुबारक हो पिनकी जी। थैंक यू। अच्छा आप तो हमारे मम्मी पापा से मिले नहीं होंगे, वो लोग आपके घर गए हैं ना? हमारे घर? हाँ, छीना का मिठाई लेकर, वो आपके परिवार का मुंह मीठा कराने। ओ, फिर तो हमको जाके उनसे मिलना होगा। हम लोग चलते हैं भैया। हाँ चलो। अब पिंटू जी आप काफी बहुत अच्छा बनाते हैं, अगर आप 5 मिनट हमारे घर रुक जाते तो। नहीं नहीं, कहा है ना पिनकी जी, हमको कॉफी अच्छा नहीं लगता, अगली बार हम आपके साथ चाय पियेंगे। भैया चलो। पिंटू जी वैसे कल तो आप हमारे घर पर आ रहे हैं ना? वो क्या है ना कि एग्जाम पास करने की खुशी में
हमारे पापा ने बहुत बड़ी दावत दी है। और अब तो आप खास है इसलिए हमारे मम्मी पापा आपके घर पर न्योता देने गए हैं। पिनकी जी, दावत कल है ना, तो फिर हम कल आएंगे। अभी हमको आज्ञा दीजिए। ठीक है पिंटू जी। भैया हाँ, अब चलते हैं। ओके पिंटू जी, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय। I'm sorry.